धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम रिंगनोद के प्रथम चौधरी का भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन होना क्षेत्र के लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। प्रथम चौधरी के भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार अपने ग्राम रिंगनोद में आगमन पर नगर में हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया। खास तौर पर स्कूली बच्चों ने उनकी ऐतिहासिक अगवानी की। इस दौरान प्रथम चौधरी को घोड़ी पर बिठाकर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा स्कूली ड्रम बजाकर दोनों ओर कतार बनाकर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर फूलों की वर्षा कर उनकी अगवानी करते हुए भव्य स्वागत किया। ग्राम के नौजवानों में भी अपने लाडले के लेफ्टिनेंट बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर खास उत्साह देखा गया। लेफ्टिनेंट प्रथम चौधरी का नगर में भव्य स्वागत चल समारोह निकाला गया, जिसमें नगर के सभी संगठनों राजनीतिक दलों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। घर पहुंचने पर परिजनों ने अपने लाडले की उपलब्धियों पर अपनी खुशियाँ जताई और उनकी मेहनत और लगन को भी सराहा। वहीं प्रथम चौधरी के अनुसार सेना में लेफ्टिनेंट पद पर पहुंचने को लेकर उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ा। कई बार असफल होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार वे प्रयास करते रहे। अंततः उन्हें यह मुकाम हासिल हो ही गया। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील भी की कि वे शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और देश सेवा के लिए लगातार प्रयासरत रहे ताकि वे अपना मुकाम हासिल कर सकें। अच्छा महसूस हो रहा है सर। अभी तक इसमें हमारे परिवार से या गांव से समाज से कोई भी अभी तक गया नहीं था। उसका बचपन से यही था कि इसमें जाना है। पहले उसका था बीएमए, उसने करा था मैनेजमेंट की स्टडी लेकिन बॉम्बे से, लेकिन उसका वहाँ मूड ये हो गया कि नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपनी में इतना हो नहीं, मैं तो देश का जुनून था शुरू से उसका। अभी आर्मी में जो बेच वगैरह लगाने का जो प्रथा थी उसमें आप गए थे, हाँ, वहाँ पे कैसा क्या अनुभव किया? बहुत खुशी वहाँ पर देख के ही, हमको पहली बार देख के ऐसा लगा कि इतना बड़ा फंक्शन होता है। आज दिन तक हमने केवल टीवी पे इन पे थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन वहाँ जाके जो कार्यक्रम देखा इतनी खुशी हुई, और इतने लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे, इतना अनुशासन था, सबको एक साथ परेड ये देख के मतलब मन गदगद हो गया। जी सेना का मुकाम ऐसी बात है कि धार जिले से काफ़ी कम लोग हैं जो कि सेना में ऐसे जवान भी है, तो ऑफिसर में तो बहुत कम है, कुछ गिनिंदा है जिनको आप उंगली पे गिन सकते हैं। तो सफ़र तो थोड़ा कठिन था क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि क्या एग्ज़ाम होती है, क्या तैयारी करना है। CDS की एग्ज़ाम लगभग 4 लाख लोग देते हैं और जो उसका इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का होता है, और उनमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी, ठीक है, उसकी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, इमोशनल कॉन्टेंट, ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो एक कठिनाई तो थी, पर ये होता ना कि जहाँ पर चाह वहाँ रहा। तो एक बार उस दिशा में जब चलना चालू किया तो धीरे धीरे चीज़ें सीखी और फिर उन पर मास्टरी हासिल करी। कब से की थी इसकी? इसकी शुरुआत मैंने 2017 से करी थी, तब मुझे पता चला ये एग्ज़ाम होती है। तो मैंने 3 प्रयत्न मेरे रहे रिटर्न एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो 3 बार मैं उसमें विफल हुआ रिटर्न। फिर 4थी बार में मेरी रिटर्न निकली और उस बार मेरा इंटरव्यू में बाहर हो गया। 5वीं बार भी यही हुआ और 6वीं बार में ऐसा हुआ कि मेरा रिटर्न भी निकला और इंटरव्यू भी निकला और फिर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। और उसके पश्चात मैंने सितंबर में ज्वाइन करा था इंडियन मिलिट्री एकेडमी,
और वहाँ से मेरी ट्रेनिंग 11 तारीख को पूरी। सारा श्रेय किसे देना चाहिए आपको, कौन है आपके भाई? इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहूँगा जिन्होंने शुरू से हमारी शिक्षा में निवेश किया। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी ना होने के कारण भी उन्होंने अपनी जो भी बचत थी उसको पूरा शिक्षा में लगाया। उन्होंने ये समझा कि ये निवेश आज ज़रूर है पर ये समय आने पर इसका अच्छा लाभ होगा, तो एक श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा। दूसरा, मेरे आज तक के जो भी शिक्षक रहे जिन्होंने मुझे स्कूल रिंगनोट से लगाकर इंदौर अग्रवाल पब्लिक स्कूल में जितने टीचर रहे उन सबको मैं इनका श्रेय देना चाहूँगा। और हमारे बड़े पापा श्री रमेश जी चौधरी जिन्होंने एक चरित्र निर्माण जो होता है, क्योंकि फौज में यदि आपको अफसर बनना है तो आपको एक 800 जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो सबसे पहले यदि वो मापदंड उसमें होता है कि आप चरित्र जो है वो आपका सही होना चाहिए। युवाओं को क्या हमेशा देना चाहिए? युवाओं को हमारे क्षेत्र में जितना मैंने देखा है कि युवा फिजिकली काफ़ी टफ है, ठीक है, खेती बाड़ी क्योंकि करते हैं तो फिजिकली फिटनेस सबका अच्छा है, पर उनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ाई से झिझकते हैं, है ना। तो उनको मेरा यही संदेश है कि आप फिजिकल फिटनेस भी रखिए साथ में, थोड़ा पढ़िए और आप चाहें तो फौज में जा सकते हैं, आप दूसरी काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी हैं आप उनमें जा सकते हैं और अपने साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को आप एक प्रगति की दिशा में ले जा सकते हैं।